यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने उड़ाए कोलकाता नाइट राइडर्स के परखच्चे। सिर्फ 13 ओवर में ही मुकाबला जीत कर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2023 का एक और बेहद ही शानदार मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 7 ओवर शेष रहते ही इस मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों, इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी यशस्वी और संजू की धमाकेदार पारियां देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला नीतीश राणा ने, लेकिन गिरा संजू सैमसन के पक्ष में। टॉस जीतकर संजू सैमसन ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को आमंत्रित किया। केकेआर की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे इस मुकाबले में जेसन रॉय, तो उनके साथ थे रहमानुल्लाह गुरबाज, लेकिन पहले ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर जेसन रॉय ने बेहतरीन शुरुआत की। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर गुरबाज के बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका संदीप शर्मा की गेंद पर देखने को मिला, जबकि दोस्तों तीसरा ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला रॉय के बल्ले से। लेकिन इसी ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार एक बेहतरीन कैच सिमरन हेटमायर ने पकड़ा और चलता किया यहां पर जेसन रॉय को। इस मुकाबले में रॉय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद चौथा ओवर डालने आए संदीप शर्मा की पहली गेंद पर शानदार छक्का देखने को मिला गुरबाज के बल्ले से। उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की अगली ही गेंद पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस बार मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और बैक टू बैक दो बेहतरीन छक्के देखने को मिले गुरबाज के बल्ले से। लेकिन इसके बाद दोस्तों पांचवें ओवर में ट्रेंट बोल्ट की पहली गेंद पर गुरबाज चलते बने। यहां पर संदीप शर्मा ने बेहतरीन कैच पकड़ा और गुरबाज का महत्वपूर्ण विकेट राजस्थान रॉयल्स की टीम ने चटका लिया। गुरबाज की बात करें तो इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वो भी, लेकिन 12 गेंदों पर 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद यहां पर 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक चौका नीतीश राणा के बल्ले से देखने को मिला, यानी कि लंबे इंतजार के बाद बाउंड्री आई। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर 10वें ओवर में पहला छक्का देखने को मिला वेंकटेश अय्यर के बल्ले से। उन्होंने भी गेंद को मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन छक्का लगाया। इसके बाद अगली ही गेंद पर एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इस बार एक बड़ा छक्का उनके बल्ले से डीप मिड विकेट की तरफ देखने को मिला, जहाँ पर 93 मीटर का शानदार छक्का उन्होंने लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर के आखिरी गेंद पर नीतीश राणा ने भी चौका लगाकर इस ओवर को 18 रनों का ओवर बना दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर यजवेंद्र चहल ने एक और शानदार सफलता दिलाई नीतीश राणा के रूप में। नीतीश राणा भी इस मुकाबले में पूरी तरह से सेट हो चुके थे, लेकिन बड़ा शॉट खेलने की गलती कर बैठे और 17 गेंदों पर 22 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद वेंकटेश अय्यर ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 13वें ओवर की पहली गेंद पर एक बेहतरीन छक्का यजवेंद्र चहल की गेंद पर लगाया। यह भी एक कमाल का शॉट था, जबकि दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर की दो गेंदों पर 10 रन वो बना चुके थे, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। ये एक स्लोअर गेंद थी जिस पर काफी शानदार तरीके से वेंकटेश अय्यर ने बेहतरीन चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहां पर बारी थी आंद्रे रसल की, तो यहां पर 14वां ओवर डालने आए के एम आसिफ की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का आंद्रे रसल के बल्ले से देखने को मिला। आंद्रे रसल ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ के ऊपर इस गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर एक और कट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो सीधे फील्डर को ढूंढ बैठे और रविचंद्रन अश्विन ने बेहतरीन कैच पकड़ा और के एम आसिफ ने चलता किया आंद्रे रसल को। आंद्रे रसल इस मुकाबले में 10 गेंदों पर सिर्फ 10 ही रन बना पाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों वेंकटेश अय्यर ही अब सबसे बड़ी विकेट थी जो कि पिच पर टिके हुए थे। इसी बीच उन्होंने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का वेंकटेश अय्यर ने के एम
आसिफ की गेंद पर लगाया और गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर यजवेंद्र चहल ने चलता किया वेंकटेश अय्यर को। एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे वेंकटेश अय्यर, लेकिन गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और ट्रेंट बोल्ट ने बेहतरीन कैच पकड़ा और 42 गेंदों पर 57 रनों की शानदार पारी खेलकर वेंकटेश अय्यर आउट हुए। इसके बाद नए बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर उतरे, लेकिन उनको भी यजवेंद्र चहल ने चलता किया और LBW आउट होकर पेवलियन लौटे शार्दुल ठाकुर। ठाकुर इस मुकाबले में 2 गेंदों पर सिर्फ 1 ही रन बना पाए। इसके बाद 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन छक्का रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिला। इस बार उन्होंने संदीप शर्मा की गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से मैक्सिमम के लिए भेजा, लेकिन इसके बाद उनका विकेट भी यजवेंद्र चहल ने चटका लिया और 18 गेंदों पर 16 रन ही बना पाए। इसके बाद 20वें ओवर में एक चौका सुनील नारायण के बल्ले से देखने को मिला, जबकि आखिरी गेंद पर संदीप शर्मा ने सुनील नारायण को भी आउट कर दिया और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में सिर्फ 149 रन ही बना पाई और 150 रनों का लक्ष्य रखा राजस्थान रॉयल्स की टीम के सामने। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर पारी की शुरुआत करने उतरे, तो मैच की पहली गेंद पर नीतीश राणा की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज कर बेहतरीन तरीके से खाता खोला यशस्वी ने, जबकि दूसरी पारी पर एक और शानदार स्लॉग स्वीप के जरिए उन्होंने बैकवर्ड स्क्वाड ले की तरफ शानदार छक्का जड़ा और बैक टू बैक 2 छक्कों के साथ आगाज किया। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका मिड ऑफ की तरफ देखने को मिला जायसवाल के बल्ले से, तो वहीं पर चौथी गेंद पर भी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका जड़ा, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाकर यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में 26 रन जोड़ लिए नीतीश राणा के ओवर में और धमाकेदार शुरुआत कर दी राजस्थान रॉयल्स के लिए। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर जोस बटलर के रूप में रनआउट के रूप में पहला विकेट गंवाया राजस्थान रॉयल्स ने। जोस बटलर रनआउट हुए शून्य पर ही, लेकिन वो अपना विकेट शायद गंवा कर गए थे यशस्वी जायसवाल के लिए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और चौका यहाँ पर ओवर थ्रो का मिला, जब यहाँ पर नीतीश राणा ने थ्रो लगाया और चौका मिला और ये चौका भी गया जायसवाल के खाते में। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल का शॉट खेलते हुए लॉन्ग लेंथ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा जायसवाल ने, तो वहीं पर इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर की दूसरी गेंद पर भी शानदार चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से मिड ऑफ की तरफ देखने को मिला, तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका डीप मिड विकेट की तरफ देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, जबकि दोस्तों शार्दुल ठाकुर के ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाकर यहां पर भी चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली यशस्वी जायसवाल ने। वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर IPL इतिहास की सबसे तेज 50 बना डाली। मात्र 13 गेंदों पर ही यशस्वी जायसवाल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने KL राहुल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो जहां पर उन्होंने 14 गेंदों पर अर्धशतक बनाया था, लेकिन अब यशस्वी जायसवाल 13 गेंदों पर अर्धशतक बना चुके थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला, यह भी एक कमाल का शॉट था। इसके बाद दोस्तों हर्षित राणा के ओवर में 5वें ओवर की चौथी व 5वीं गेंद पर 2 बेहतरीन चौके एक बार फिर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिले, ये भी दोनों शॉट कमाल के थे। इसके बाद 6ठे ओवर की चौथी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर संजू सैमसन ने भी बेहतरीन छक्का जड़ा, यह भी एक कमाल का छक्का था जो उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ लगाया और छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा, तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और बेहतरीन छक्का सुयास शर्मा की गेंद पर लगाया और यहां पर कमाल की बल्लेबाजी उनकी जारी रही। इसके बाद दोस्तों यहां पर संजू सैमसन ने भी 10वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका वह 10वें ओवर की पहली गेंद पर एक बेहतरीन छक्का संजू सैमसन ने लगाया, यह छक्का उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाया। इसके बाद भी उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार छक्का जड़ा अनुकूल रॉय की गेंद पर, तो वहीं पर अनुकूल रॉय के ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का लगाकर इस ओवर में 3 छक्के संजू सैमसन ने जड़े। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक बेहतरीन चौका वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर
पर लगाया। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। यह भी कमाल का शॉट था जिस पर उन्होंने 6 रन बटोरे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बेहतरीन चौका लगाया। इस बार उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए भेजा। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर एक और चौका उनके बल्ले से रिवर्स स्वीप के जरिए देखने को मिला। लेकिन इसके बाद संजू सैमसन ने 13वें ओवर में आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं लिया और मौका दिया एक आखिरी छक्का लगाकर अपना शतक पूरा करने का यशस्वी जायसवाल को। लेकिन वो शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद पर चौका लगाकर टीम को बेहतरीन जीत दिलाने में कामयाब हुए। लेकिन अपने शतक से मात्र 2 रन चुक गए और 47 गेंदों पर शानदार नाबाद 98 रनों की पारी खेली। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने इस मुकाबले को 41 गेंदें शेष रहते हुए 9 विकेट से धमाकेदार तरीके से जीत लिया। तो दोस्तों यशस्वी जायसवाल की बैटिंग आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।